हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, जो बच्चे सिक्स क्लास के हैं ना, तो उनके जो चैप्टर्स हैं वो आपको पता ही होगा कि पहला चैप्टर आ रहा है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए वीडियो देगी, पहला आ रहा है। उसके बाद जो है नाइन्थ आ रहा है और टेंथ आ रहा है, तीन चैप्टर आ रहे हैं आपके मिड टर्म में, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि बच्चे ना ये मत सोचे कि केवल उन्हें एक्सरसाइज करनी है और आराम से उनके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे लिखा ना, एक कार्बोहाइड्रेट, तो आपसे पूछ लेगा कि जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस रूप में होता है। तो मंड में होता है, शर्करा के रूप में होता है, ठीक है। और आपसे देखो इंग्लिश में, देखो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च की और शुगर की फॉर्म में होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो जो भी हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं वो सब न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब आपको पता होना चाहिए सारे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, पोषक वो कच्ची सामग्री जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, तो उसे हम पोषक कहते हैं। और कौन कौन से पोषक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपको अच्छे से करना। जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आप ये बताओ कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करोगे, या कार्बोहाइड्रेट किसी चीज के अंदर है या नहीं कैसे पता करोगे, बताओ। तो आप बोलोगे कि कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में है या नहीं, हम आयोडीन बिलिन को लेंगे, ठीक है, जो तनु होना चाहिए, और अगर वो नीला काला हो जाए, नीला काला हो जाए, दो तीन बूंदे डालेंगे उसमें खाने की, दो तीन बूंदे डालेंगे, जो खाने का जो भी खाद्य पदार्थ है अगर वो नीला काला हो जाएगा तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपको ना अच्छे से आना चाहिए, लेकिन देखो स्टार्च का टेस्ट बोल दे या शुगर का टेस्ट बोल दे, तो आपको कैसे करना है ये बताना। और देखो किस किस से टेस्ट किया जा सकता है, ये देखो हम आयोडीन से कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कर सकते हैं, और यहाँ पे कोसिक सोडा से। तो आप एमसीक्यू में पूछेगा ना किस किस से कर सकते हैं, इन सबसे टेस्ट कर सकते हैं, इन सबसे टेस्ट कर सकते हैं। किसका, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड या शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च या शुगर का, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछेगा प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो प्रोटीन के लिए देखो आप किसका यूज कर सकते हो, देखो आप कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको दो बूंद डालनी है, पूछ लेगा कितनी बूंद डालनी है, और 10 बूंद डालनी है आपको कौसी सोडा की, ठीक है। तो आपको डीपली अच्छे से पता होना चाहिए, अगर वो वॉलेट रंग का हो गया, ठीक है, वॉलेट रंग का हो गया तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको याद रखना आपको दो बूंदे किसकी चाहिए, 10 बूंदे किसकी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे और कौस्टिक सोडा की 10 बूंदे चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा ना फिर आप पेपर नहीं कर पाओगे। और बैंगनी रंग का हो गया तो प्रोटीन है उसके अंदर, ये आपको अच्छे से पूरा भरना आना चाहिए कि भाई इसके अंदर मंड है, प्रोटीन है, वसा तो जो है उस पे हाँ, जो है नहीं है उस पे ना। अब वसा का टेस्ट कैसे होगा, वसा यानी कि फैट, तो फैट का टेस्ट कैसे करोगे, फैट का टेस्ट बहुत आसान है। जो भी चीज है ना उसको कागज पर रख दो, सूखे कागज पर, अगर उसमें ऑयली सा हो गया, क्या हो गया, ऑयली सा, तेल सा हो गया, तो हम बोल देंगे कि उसमें क्या फैट है, ठीक है। अगर ऑयली के पैचेस नहीं आए तो उसमें फैट नहीं है, वसा नहीं है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये डीपली पता होना चाहिए, बच्चे ना ये चीज इग्नोर कर देते हैं और फिर ये एग्जाम में आ जाते हैं। अगर पूछेगा परीक्षण किसे कहते हैं, मतलब टेस्ट लेना, पता लगाना कि भाई उसके अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे विटामिन और मिनरल्स आपको पता होने चाहिए। देखो आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो देखो कितनी सारी चीजें हैं, देखो कितनी सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछेगा ना पौधों से मिलने वाला फैट क्या है, पौधों से मिलने वाला, अगर पादप से बोलेगा तो आपको पादप वाली चीजें बतानी है, और अगर वो पूछेगा जानवर से मिलने वाला तो जानवर वाली चीजें बतानी है। सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो। फिर आगे देखो ये कह रहा है पौधों से मिलने वाला प्रोटीन और जानवर से मिलने वाला प्रोटीन। अगर आपसे पूछेगा पौधों में प्रोटीन किससे मिलता है, ग्राम, मूंग, ठीक है, तुअर की दाल, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारा दे रखा है। ये प्रोटीन अगर पौधों में किससे मिलता है, अगर जानवर में पूछेगा तो ये, अगर कुछ नहीं पूछा तो जो मर्जी बता दो, ये सारा याद होना चाहिए आपको, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर आपको सारे विटामिन पता होने चाहिए, कौन सा विटामिन किस काम आता है, जैसे विटामिन ए आंखों के काम आता है, ठीक है। ये रहा विटामिन ए किससे मिलता है और किस काम आता है,
विटामिन बी किससे मिलता है, किस काम आता है, विटामिन सी किससे मिलता है, किस काम आता है, विटामिन डी किससे मिलता है, किस काम आता है, ये आप सारा याद करो। मैं आपसे पूछूंगा विटामिन ए किससे मिलता है तो आप बताओगे पपाया से, कैरेट से, मैंगो से, बी किससे मिलता है, सी किससे मिलता है, डी किससे मिलता है, ठीक है सुन रहे हो। और सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी किससे मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है। लेकिन आजकल बच्चे सूरज की रोशनी में कहाँ दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो ना। और इसके अलावा क्या होता है, आहारी रेशे होते हैं, पानी होता है, जो अगर ये नहीं लेंगे ना तो हमारा बाकी का जो खाना वो नहीं बचेगा। तो अगर पूछेगा ना आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है, तो रुक्षांश। तो ये किससे मिलता है, दाल से, आलू से, ताजे फलों से, सब्जियों से, ठीक है। ये हमें पोषक तत्व नहीं देते, ये एग्जाम में बोलेगा कौन सी चीज है जो हमें पोषक तत्व नहीं देते लेकिन हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जो हमारे शरीर से गंदा पदार्थ या जो अनपचा भोजन है वो बाहर निकालते हैं। कौन निकालता है, रुक्षांश निकालता है, सुन रहे हो। तो आपको बहुत डीपली पता होना चाहिए डायट्री फाइबर, ठीक है, रफेज बोलते हैं, रफेज ये न्यूट्रिएंट नहीं देते, ठीक है, ये हमें न्यूट्रिएंट नहीं देते, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, कौन सा फूड जो पचता नहीं है, वो बाहर निकल सके, सुन रहे हो ना। आपको ऐसे डीपली पढ़ना है। ऐसे ये देखो, ये आयोडीन किससे मिलता है, अगर आपसे पूछेगा फॉस्फोरस किससे मिलता है, अगर आपसे पूछेगा आयरन किससे मिलता है, अगर आपसे पूछेगा कैल्शियम किससे मिलता है। देखो, मिनरल में हड्डी को मजबूत कौन करता है, कैल्शियम, और विटामिन में कौन करता है, डी। ये याद रखना, अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं और विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डियां मजबूत पूरी तरह से नहीं हो पाएंगी। तो हमें दोनों चीज होता है, मिनरल में कैल्शियम और विटामिन में विटामिन डी मिलना होना चाहिए, सुन रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से, इससे मिलता है, और हमें लोहा किससे मिलता है, हमें फास्फोरस किससे मिलता है, हमें आयोडीन किससे मिलता है। तो अगर आपसे खनिज में पूछे जो हड्डियों को मजबूत करता है वो कैल्शियम है, और अगर आपसे विटामिन में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, विटामिन डी बताओगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना है, क्लियर हो गया। पानी भी खूब पीना है, 6 से 8 गिलास। फिर आपसे पूछेगा संतुलित आहार किसे कहते हैं, आप बोलोगे ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो जो ज्यादा मात्रा में भी नहीं होते, कम मात्रा में भी नहीं होते, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। नहीं तो यहाँ से आप याद कर लेना, देखो यहाँ पर ना लिखा होता है, यहाँ पर। तो अगर आपसे संतुलित आहार बोलेगा ना, बोलोगे सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इस तरीके से जो पता आपको लिख के जरूर आना है। अब जैसे याद होता है कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने से खत्म हो जाता है, विटामिन सी, मतलब अगर हम जैसे नींबू है, खट्टी जो चीजें हैं, अगर उनको हम गर्म कर देंगे ना और फिर पियेंगे तो उसमें हमें कोई ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभाव जन्य रोग किसे कहते हैं, अगर हमें लंबे समय तक पोषित तत्व तो नहीं मिलेगा ना कोई, तो उसे बोलेंगे अभाव जन्य। मतलब मान लो किसी को प्रोटीन नहीं मिल रहा, किसी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, वसा नहीं मिल रहा लंबे समय तक, तो वो अभाव जन्य रोग कहलाएगा, सुन रहे हो मेरी बात। बाकी देखो मैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें बता रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ और आपको अच्छे से करना ही करे। जो लोग अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे ना, तो वो दुबले पतले हो जाएंगे, तो हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ताकि हम दुबले पतले ना हो, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में देखो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसमें सभी जो न्यूट्रिएंट है ना, एसेंशियल, जो ज्यादा मात्रा में भी नहीं होने चाहिए, कम मात्रा में भी नहीं होने चाहिए, वो हमारी बॉडी में होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, फैट वगैरह, ठीक है। ये देखो पल्सेस, ग्राउंडनट, क्योंकि हमें ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीजें अच्छे से लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। हमें एक्सपेंसिव खाना से कुछ नहीं होता, पता, हमें एडिकेट खाना खाना चाहिए। विटामिन सी समझ आ गया। देखो अगर आपसे पूछेगा ना ओबेसिटी किसे कहते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा खाना खाते रहते हैं फैट वाला, तो हम मोटे हो जाते हैं, उसे ओबेसिटी कहते हैं। और अगर पूछेगा डेफिशिएंसी किसे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक न्यूट्रिएंट जो जरूरी है, जैसे कोई भी चीज नहीं खा रहा, प्रोटीन, फैट, तो वो दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, उसे डेफिशिएंसी कहेंगे। दुबला पतला हो ना भी हो, लेकिन अगर वो लंबे समय तक कोई चीज नहीं खा रहा ना, तो बॉडी में डिसऑर्डर हो जाएगा, उसे बोलेंगे डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसीज जो होती है ना, तो उससे वो हम जो बैलेंस डाइट है ना उसको रोक देते हैं, मतलब बैलेंस डाइट नहीं हो पाता। देखो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है डेफिशिएंसी, कौन कौन सी हो सकती है। देखो अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे, अभी मैंने आपको बताया था ना विटामिन ए किससे मिलता है, अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा, आग, क्योंकि रोशनी कम हो जाएगी। ये है सिम्टम, कैसे दिखाई देगा, ये देखो विटामिन ए किस में मिलता है, ठीक है, गाजर खाओ ना खूब, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन, पपाया से, मिल्क से। विटामिन सी किससे मिलेगा,
विटामिन सी जितनी खट्टी चीज होती है, अगर नहीं खाओगे तो स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़ों से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगा। विटामिन डी नहीं खाओगे तो रिकेटस हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाती है ना वो। कैल्शियम नहीं खाओगे तो हड्डियां, वही दिक्कत है। आयोडीन से घेंगा गला भार आ जाएगा, और लोहे जो है ना अरक्ता हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। ये आप सारा अच्छे से लर्न करो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे छोड़ देते हैं ना फुल फॉर्म, ये अच्छे से FSSAI की फुल फॉर्म कहीं लिखी हुई यहाँ पे मेंशन की गई है, ये अच्छे से इसको पढ़ लो। ये करता क्या है, ये क्या करता है FSSAI, ये क्या करता है, भारत के अंदर जो भोजन वगैरह होते हैं ना, दूध, तेल, नमक, विटामिन, ठीक है, इन सब की एक तरह से जांच करता है, देखता है कि भाई लोगों को सही चीज मिले, ठीक है, तो माने तय करता है, स्टैंडर्ड तय करता है। ये आपको पढ़ना, देखो मैंने आपको ये चैप्टर जो है ना रिवाइज करवाया, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ चीजें मैंने ना बताई हूँ, ठीक है ना। आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ता है, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि एक ही खाना बार बार खाओगे तो क्या क्या बॉडी को सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना, तो उसे खाना बदल बदल के खाना चाहिए। उसके बाद जो है ना 9 चैप्टर है और 10 चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। और अब आप इन चैप्टर्स को भी अच्छे से ऐसे पढ़िएगा कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं इसमें कौन से टर्मिनल होते हैं, अच्छे से ना जैसे ये नोट्स है ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। बल्ब क्या होता है, इसमें जो लगी होती है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। स्विच क्या होता है, बंद और ओपन कैसे करते हैं, तो आपको ना अच्छे से किसी चीज के नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, कि जैसे स्टार्च कैसे टेस्ट करेंगे, स्टार्च का है या नहीं, प्रोटीन का कैसे टेस्ट करेंगे, फैट का कैसे टेस्ट करेंगे, ये पूरा लिखने को आ सकता है, ठीक है। वो डीपली वगैरह पढ़ना हमें पड़ता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एक अच्छी कॉपी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये जो टेंथ और ये है ऐसी, आप इन चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। और टाइम की हमारे पास कमी है,